उनके पास कभी तो श्रीराम कौशल्या जी की वो तो दिखाई देते हैं, कभी दर्शन जी तो लालिरामण गोस्वामी जी ने एक बार मधुर चित्र प्रस्तुत किए। एक कौशल्या अब्बा का श्रीराम को लेकर के महल के छत पर गए और उसने शरद पूर्णिमा की संध्या की, मैंने चंद्रमा की ओर दिखाया। सबसे पहले भाई मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, ईश्वर को खेलने के लिए अगर खिलौना देना चाहे तो कौन सा खिलौना देना चाहिए? यार लड़की चंद्र खिलौना चाहिए, ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मनुष्य हो जाता, ये मन जो है यही चंद्रमा का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय जो भगवान कहते हैं, अन्य वस्तुओं से मैं क्या खेलूंगा, अपना मन ही मुझे अर्पित कर दो तो मैं मन से खेल करके आनंद लूंगा। कौशल्या जी बड़े चक्कर में पड़ी, कह लगे कि नहीं नहीं, ये चंद्रमा को ऊपर से नीचे लाना संभव नहीं है। श्री राम रोने लगे और श्री राम ने रोते हुए कहा कि नहीं, ये तो नीचे उतारने पड़ेगा। ऊपर से श्री राम रो रहे हैं पर मन ही मन हंस रहे हैं, क्या मां तुम कहती हो कि उस चंद्र खिलौना को ऊपर से नीचे उतारना संभव नहीं है? जिसने ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार दिया, क्या वो चंद्रमा को नीचे नहीं उतार सकता है? तुम भूल गई हो, महाराज दशरथ ने यह समाचार सुना। और महाराज श्री दशरथ ने जब ये समाचार सुना तो आ गए, अवसर अच्छा मिला। उन्होंने कहा चंद्रमा मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, पर तुम पहले कौशल्या जी की गोद छोड़ करके, महाराज माँ की गोद छोड़ के मेरी गोद में आओ। और श्री राम चंद्रमा के लोक में महाराज दशरथ की गोद में चले गए। जो मुझे चंद्र खिलौना ला दे हम उसी की गोद में जाने को तैयार है, जो जिसके में इतनी सामर्थ्य हो। और महाराज दशरथ ने क्या किया, कहा महाराज श्री दशरथ ने बड़े बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, एक सोने के पात्र में सेविका को जल लाने की आज्ञा दी, बर्तन ला करके जल भर दिया गया और उस जल में चंद्रमा की छाया दिखाई देने लगी। मुस्कुरा करके दशरथ जी ने कहा कि लो चंद्रमा ऊपर से नीचे आ गया तो इसे ले लो। ये दृश्य जब ऊपर से देवता मुनियों ने देखा तो ताली बजा करके आनंद देने लगे, बोले प्रभु आपने संसार के जीवों को छाया दे के बड़ा बुलावा दिया, आज आपको भी भक्त बुलावा देने की चेष्टा कर रहे हैं, ताली लिए अब खेलिए। सो प्रभु ने उस चंद्रमा को जो पकड़ने की चेष्टा किया तो चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा में वो जल तो हिल गया और प्रभु को लगा कि ये तो जल कोई जल जंतु है, इससे कैसे खेला जाएगा, चंचलता देख करके। और प्रभु फिर से जाकर के कौशल्या जी की गोद में, मानो भक्तों ने शिक्षा लिया कि प्रभु ये कहते हैं कि प्रतिबिंब जब डरावना लगे तो ईश्वर रूप माँ की गोदी में छिप जाने से ही भय की निवृत्ति होगी। इस तरह से कबहू शशि बालक तो आदि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय के नाच नाचत माँ की सुबह मनमोद भरे, कबहू ऋषि आए कहे हटके पुन लेक सोई यही लाग अरे, औधे सके बालक जाग सदा। तो उसे आदि बहुत बढ़िया बात कहते हैं। महाराज दशरथ के आनंद में चारों बालक जो है नित्य नई नई लीलाएं करते। पूछा गया अब, बोले अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में ले रहे, दशरथ के आनंद में बहने वाले प्रभु अब मेरे मन मंदिर में विहार करते। रमण का उद्देश्य यही, क्या ये जो दशरथ के आनंद में विहार करने वाला ईश्वर है, खेल करने वाला, और खेल खेल में सारा ज्ञान वेदांत सारा तत्व भगवान बाल लीला की विशेषता है कि अन्य लीलाओं में तो गंभीरता में गंभीरता, पर बाल लीला में तो खेल खेल में प्रभु अपने दिव्य रहस्य प्रकट कर देते हैं। कभी वो समझ ने लिखा दशरथ जी भोजन करने बैठे, श्री राम बच्चों के साथ खेल रहे। सुमंत्र जी को महाराज दशरथ ने कहा जाओ राम को लाओ। सुमंत्र जी गए और सुमंत्र जी ने जाकर के कहा आपको महाराज याद कर रहे हैं, पधारिए। भगवान राम ने कह दिया मैं नहीं आ रहा, लीला चल रही है, खेल चल रहा। उसका सरल बाल लीला की दृष्टि से तो अर्थ ही हुआ कि बच्चे खेल में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें खाने की भी याद नहीं रहती है, माता पिता के बुलाने पर भी नहीं आते, वो भी बाल लीला की दृष्टि से हुआ, पर उसमें गंभीरता कितनी है, क्या क्यों नहीं आए? तो या तो बाल लीला में इतने डूब गए कि खेलने के खाने के लिए प्रस्तुत नहीं है, और दूसरी ओर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो इसका तात्पर्य यह था, क्या कि बोलने वाले ने पुकारने में गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या उन्होंने कह दिया आपको महाराज बुला रहे हैं,
राजा चाहिए था, पिताजी बुला रहे, पिताजी बुला रहे हैं, तब तो प्रभु नहीं कर ही नहीं सकते थे। पर जब सुमंत्र जी को तो आदत पड़ गई थी, वो तो मंत्री थे, महाराज महाराज कहते कहते, तो श्री राम से भी बोले तो महाराज कह दिया। तो जब कहा महाराज बुला रहे हैं, तो ईश्वर को अपने ईश्वरत्व की याद आ गई। बोले ये कौन राजा है जो मुझे बुला रहा है, मैं राजाओं महाराजाओं का ब्रह्मा सबका स्वामी मैं हूँ, किसी राजा को आना है तो मेरे पास आना चाहिए कि मैं राजा के पास जाऊँ। और तब सुमंत्र जी ने कहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, पर दशरथ जी हार मानने वाले थोड़ी है। कौशल्या जी की ओर देखा, बोले आप जाएंगे तो नहीं नहीं कर पाओगे, कर्म जब थक गया ईश्वर को पकड़ पाने में, तो भक्त का आश्रय लिया, कौशल्या का आश्रय लिया। और कौशल्या जी मारने लगी तो बच्चों ने कहा तो मार स्वयं आ रही है, अब क्या कीजिएगा। बस कर्म ने कहा पकड़ में आऊंगा, पंद्रह थकाऊंगा इनको। कौशल्या जब बोलने जाई, थुमुकी थुमुकी प्रभु चले पराई, मानो कर्म जहां थका भक्ति के द्वारा ईश्वर मिलेगा, लेकिन जहां पर साधना का थोड़ा भी सात्विक साधना के बल है, जब तक साधना का बल समाप्त नहीं होता तब तक पकड़ में नहीं आते। दूसर धूल भरे तनु आए, भूपति व्यस गोद बैठा है। अंत में दौड़ते हुए श्री राम गिर गए, कौशल्या जी ने गोद में उठा लिया, लाके महाराज श्री दशरथ की गोद में बैठा दिया। बस आनंद आ गया, मानो खेल खेल में प्रभु ने बता दिया, स्वर्ण थाल में व्यंजनों के द्वारा मुझे कोई शब्दों के द्वारा निमंत्रण दे तो मैं नहीं आता, पर भक्ति भावना से अगर मुझे कोई लावे तो मैं पकड़ में आ जाता हूँ, उसकी गोद में बैठ जाता हूँ। इस तरह से भगवान ने बाल्यावस्था में जो विविध प्रकार की लीलाएं की, उन लीलाओं की विशेषता यह है कि उन लीलाओं में अत्यंत रस है, अत्यंत मधुरता है, पर गहराई से बैठ करके देखे तो भक्तों को तो लीला में ले जाने का मिल जाता है। भगवान जब आने लगे कौशल्या जी की गोद में, तो आने के पहले धूल में गिर गए और खूब धूल जो है लपेट लिया। अब कौशल्या अम्बा के वस्त्र तो बड़े मूल्यवान है, बड़े स्वच्छ है, श्री राम धूल से लिपटे हुए हैं, प्रभु देख रहे हैं, धूल से लिपटे होने पर मुझे उठाती हो कि नहीं उठाती हो, वस्त्रों की चिंता है कि मेरी चिंता है। और जब उन्होंने गोद में ले लिया तो तुलसीदास जी ने भगवान से कहा ये लीला मत भूल जाइएगा। क्या बोले, आप धूल में लिपटे हुए थे पर मां ने गोद में उठा लिया, इसी प्रकार से हम लोग भी पाप के कीचड़ में अगर लिपट जाए तो उठा ही लीजिएगा, आप परित्याग नहीं कर दीजिएगा। आपका जब मान इतना वात्सल्य है तो आप में तो अनंत वात्सल्य ही है। भक्त जो है बाल लीला के द्वारा ज्ञान भक्ति कर्म रस भी प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इन भगवान का स्मरण करने से एक और हमारे जीवन के सारे अमंगल नष्ट होते हैं, मन के विकार नष्ट होते हैं, मन के दोष नष्ट होते हैं, और दूसरी ओर हमारे जीवन में मंगल की सृष्टि होती है, मन में पवित्रता आती है, भक्ति आती है। तो ये कथा तो अनंत है, पर इन शब्दों के माध्यम से मैं विश्राम देता हुआ पुनः श्री अशोक जी बिरला और श्री सुनंदा जी इनका को आशीर्वाद देता हुआ आप लोगों से धन्यवाद देता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ।